अयोध्या राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे सामने आ रही है, कार्यक्रम को लेकर देश और दुनिया भर के भगवान राम के भक्त जनों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रामलला की एक झलक पाने को भक्त आतुर है। भक्तों की इस उत्सुकता को देखते हुए राम के नाम पर ठगी का धंधा भी शुरू हो गया है। कुछ लोग भगवान राम के VIP दर्शन, दान और प्रसाद के नाम पर लोगों की जेब काट रहे हैं। ये लोग राम के नाम पर हाईटेक ढंग से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। बताया कि रामलला के नाम पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज के जरिए ठग लोग राम भक्तों को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसके लिए अनुष्ठान प्रारंभ हो चुके हैं। हर ओर अयोध्या राम मंदिर और रामलला की चर्चा है। इसी बीच कुछ लोगों ने भगवान राम के नाम पर ठगी का कारोबार चला रखा है। बता दें कि राम जी के नाम पर किस तरह की ठगी हो रही है और किस तरह भगवान के नाम पर भक्तों को बेवकूफ बनाकर लूटा जा रहा है। व्हाट्सएप यूजर्स को अनजान मोबाइल नंबर से मैसेज आ रहे हैं, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर के VIP दर्शन की बात कही जा रही है। व्हाट्सएप के अलावा भी रामलला के VIP दर्शन के लिए ठग लोग कई माध्यमों से मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे ही एक मैसेज में ये कहा जा रहा है कि अगर आप अयोध्या में भगवान राम के VIP दर्शन करना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक APK फाइल होता है, जिसका इस्तेमाल गूगल प्ले स्टोर के अलावा ऐप डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। वही अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन का एक्सेस साइबर ठगों के हाथ चला जाएगा। वह इसके जरिए फोन में मालवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है। दूसरी तरफ के मैसेज में लिखा होता है, इंस्टॉल राम जन्मभूमि संपर्क अभियान टू गेट VIP एसेस। तीसरा मैसेज कहता है, बधाई हो, आप लकी हैं और आपको 22 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन के लिए VIP एक्सेस मिला है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।